माय चैनल येट विद अनदर न्यू वीडियो, जो कि है आज मैंने एक रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया है एंड उस रेस्टोरेंट का नाम है ग्रिल नेशन। एंड ग्रिल नेशन, जिन लोगों को नहीं पता है ग्रिल नेशन क्या है, वो न्यूली एक लॉन्च रेस्टोरेंट है अगरतला में, जो कि काइंड ऑफ बारबेक्यू बोल सकते हो। ये बारबेक्यू की तरह ही फूड सर्व करता है। तो पर पर्सन आप लोग को देना पड़ेगा 799, जो कि बारबेक्यू की तरह ही है। एंड उसमें बुकिंग करके जा सकते हो आप लोग। एंड अभी फ़िलहाल के लिए कोविड का सिचुएशन इतना ख़राब है, तो मैं सोचूँ कि क्यों ना घर पे ही ले आऊँ ग्रिल नेशन को उठा के। सो बहुत सारा खाना दिया है, मेकअप करके सब कुछ दिखाऊंगी। बने रहो वीडियो पे, लास्ट तक ज़रूर देखना कि क्या क्या आइटम्स हैं। और तुम लोग भी घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो तुम लोगों के लिए। अगर तुम लोग घर पे ऑर्डर करोगे स्विगी या फिर जोमेटो में मिल जाएगा, और 850 अराउंड कुछ ऐसा प्राइस मिलेगा सब कुछ टोटल मिला के। सो या मैं अभी जल्दी से स्टार्ट करती हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ग्रिल नेशन के बारे में कुछ भी जानना है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे पूछना। सो ये रहा हम लोग का खाना। एंड ये आप लोग देख रहे हो, वो लोग बहुत स्वीट है कि एक छोटा सा कोक भी वो लोगों ने दिया है। एंड इधर डेजर्ट है, मेन कोर्स है एंड स्टार्टर्स भी है। सो मैं एक एक करके दिखाऊंगी। सो लेट मी जस्ट सी कि क्या क्या पैकेट्स के अंदर है। इतना सारा स्टार्टर मिला है, लाइक यू कैन सी इधर है अंगारा फिश, ये चटनी ग्रीन चटनी है, ये स्वीट कॉर्न है, ये राजस्थान पोटैटो, तंदूरी चिकन विंग्स और इधर रेशमी। सो अभी मैं जल्दी से एक एक करके स्टार्टर खा के टेस्ट करके बताती हूँ और मेरा छोटो मोटो सा रिव्यू आप लोग कंसिडर कर लेना, क्योंकि अभी मैं बाहर नहीं जा सकती तो घर में बैठ के ही रिव्यूज दे रही हूँ। सो ये रहा रेशमी कबाब। इट्स ओके, बारबेक्यू टाइप का ही है। पोटैटो मैं ये ट्राई करती हूँ इसको। थोड़ा सा स्वीट अच्छा लगा मुझे। बारबेक्यू का ये स्वीट वाला पोटैटो मुझे पसंद नहीं था, बट इसका वाला अच्छा। आई वांटेड टू सी दिस फेस। यस, ये स्वीट कॉर्न है, क्रिस्पी है, अच्छा है। ये है अंगारा फिश, इसको भी मैं डिप करके खाती हूँ। थोड़ा सा सॉल्टी है, तो उतना तो पसंद नहीं आया। सो ये तंदूरी चिकन में ट्राई करती हूँ एंड मुझे तो पूरा पीस उठा लेने का मन कर रहा है, बट अभी उतना टाइम नहीं है। That's good. तो कंसीडर करूँ, सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा ये पोटैटो वाला ही। अनफॉर्चुनेटली मुझे पोटैटो उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ये वाला बहुत ज़्यादा टेस्टी है एंड कॉर्न तो ऑब्वियसली फेवरेट है। सो लेट्स जस्ट क्विकली फिनिश दिस स्टार्टर एंड अभी जल्दी जल्दी फिर मिलती हूँ मेन कोर्स पे। ओ माय गॉड, कितना भारी प्लेटर है, देख के ही इतना ज़्यादा भारी लग रहा है। सो मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ डिशेस के साथ। ये है दाल मखानी, ये है एक करी, ये है जैस्मिनी पनीर, ये है शायद नॉर्मल रोटी है ना, ये रोटी टाइप का है। जबकि मुझे लगा था कि नान दे, बेबी नान शायद कुछ देने वाले थे, तो आई डोंट नो कि क्या हुआ। और ये है चिकन करी, एक चीज़ है। ये रहा हमारा बिरयानी, दम बिरयानी है। सो इसमें ऑनियंस भी थोड़ा सा कम लग रहा है कंपेयर टू जब हम लोग बाकी टाइम खाते हैं। और ये उसका रायता किधर है, ये रहा रायता, रायता मैंने एक खोली। ये इस भारी भरकम प्लेट को खाते हैं और फिर रिव्यू देते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये रोटी या नान जो भी बोलो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। थोड़ा टेस्ट ओके है, बट ये पनीर जो जैस्मिन पनीर है, इसके जैसा पनीर मैंने कभी नहीं खाया। इट्स ऑसम, इसका एरोमा जो आ रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा है। लाइक यू शुड ट्राई दिस। वाओ,
ऑसम। ये है एक करी। दाल मखानी तो इसमें तो बहुत ज्यादा वो है, क्या बोलते उसको, ऑयल है, ऑयल। ग्रेवी तो अच्छा है, बिरयानी थोड़ा ग्रेवी डालो कि ऐसे ही खा के देखूं। As you wish. क्वांटिटी ठीक है, बट स्प्रिंकल्स ऑनियन होता है वो भी थोड़ा कम लगा, एंड इसमें जो ग्रेवी शायद थोड़ा होता है वो भी मुझे थोड़ा कम लगा। सो मैं अगर इसको रेटिंग देना होगा तो टू बी ऑनेस्ट कि 5 out of 10 देने वाली हूँ। जो मेन कोर्स है उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद आया वो है ये एग करी। वैसे उतना एग करी मुझे पसंद नहीं है, बट इसका जो एरोमा है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। सो यू कैन गो फॉर दिस। ओके सो फाइनली अभी डेजर्ट टाइम है, एंड मुझे भी पता है आप लोगों के मुंह में ढेर सारा पानी आने वाला है डेजर्ट में क्या है बोल के। सो लेट मी इंट्रोड्यूस कि डेजर्ट में क्या क्या उन लोगों ने भेजा है। सो ये रहा, चीज़ केक टाइप का लग रहा है बट इसका नाम है डबल का मीठा, एंड ये रहा फ्रूट कस्टर्ड जो कि मैंने हॉस्टल में ट्राई किया है, अगरतला में कहीं पे भी कोई भी रेस्टोरेंट में मुझे नहीं दिखा, सो ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। और ये रहा सबका फेवरेट मिनी गुलाब जामुन जो कि बहुत 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 ज़्यादा क्यूट लग रहा है, एंड मैं इसको क्यूट तरीके से भी खाऊंगी। सो अभी खाती हूँ, ऐसे मुँह में बहुत पानी आ रहा है। ये रहा फर्स्ट बाइट। बहुत क्यूट है, बहुत टेस्टी है, आप लोग डेफिनेटली ट्राई करना। अगर किसी को खाना है तो ऑर्डर करके मंगवा लेना। और हाँ, अभी तक जो लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ नीचे एक रेड बटन आ रहा होगा उसमें क्लिक करके सब्सक्राइब कर देना, और बगल में एक घंटी है उस प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोग जल्दी से पहुँच जाए। ओके सो ये कस्टर्ड कर पाए, जल्दी ट्राई करो। शुगर पेशेंट के लिए अच्छा है, डेफिनेटली ट्राई करो। अब इसको मैं खाकर बताती हूँ। मेरा कैमरा वूमन पागल हो रही है हंस हंस के पीछे बैक कैमरा। अच्छा है, मेरे कैमरामैन को लेकिन पसंद नहीं आया, बट मुझे बहुत पसंद आई। मुझे ब्रिटानिया केक की जैसा लग रहा, बट फिर भी अच्छा है, हेल्दी लग रहा है मुझे बहुत ज्यादा। और हाँ, ये छोटो मोटो सा मेरे तरफ से रिव्यू है, ये स्पॉन्सर्ड रिव्यू बिल्कुल भी नहीं है ग्रिल नेशन की तरफ से। तो मेरा, मैं सोची हूँ कि घर पे अगर मैं ऑर्डर करूँ तो आप लोगों के साथ भी छोटो मोटो सा रिव्यू शेयर करूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।